हमारे देश का सिस्टम कुछ ऐसा है कि लोग चाहते तो सरकारी नौकरी है, लेकिन जब बात सरकारी अस्पताल में इलाज की हो या फिर बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की, तो लोग मुंह चुराते हैं। समाज की इसी सोच को बदलने की चाहत से आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखंड के गोड्डा में तैनात आईएएस अधिकारी ने अपने बच्चे के जन्म के लिए सरकारी अस्पताल को चुना है। ये मामला गोड्डा की डीसी किरण कुमारी पासी से जुड़ा है, जिन्होंने सदर अस्पताल में ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया है। आईएएस अधिकारी किरण कुमार पासी का डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल को चुनने का इस फैसले की हर तरफ सराहना हो रही है। देवघर की डीसी नैन्सी सहाय भी गोड्डा सदर अस्पताल आईएएस किरण का हाल जानने पहुंची, जहां उन्होंने किरण कुमारी पासी के इस कदम की सराहना करते हुए ये विश्वास जताया कि आने वाले समय में सरकारी सिस्टम पर लोग भरोसा करेंगे। इतना ही नहीं, डीसी किरण कुमारी की नवजात बच्चे के साथ ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने डीसी के इस फैसले को समाज के लिए नजीर बताते हुए कहा कि डिलीवरी के बाद महिला का पुनर्जन्म होता है। आज के जमाने में जहां सक्षम लोग साधारण सर्दी जुकाम का इलाज कराने के लिए महंगे निजी अस्पतालों का रुख करते हैं, वहां एक सक्षम अधिकारी के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने के फैसले से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। डॉक्टरों के अनुसार जच्चा और बच्चा दोनों ही पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऑपरेशन के कारण आईएएस अधिकारी को 2 दिन निगरानी में रखा जाएगा और उसके बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। बताया जा रहा है कि आईएएस किरण दूसरी बार मां बनी है। उनके पहले बच्चे का भी जन्म ऑपरेशन के जरिए हुआ था और इसी का ध्यान रखते हुए डॉक्टरों की टीम ने डिलीवरी में पूरी सतर्कता बरती है। न्यूज़ डेस्क।